मिस उमा रानी बैनर्जी, दिल्ली के डिफरेंट फर्म्स के जितने एक्सपोर्ट मैनेजर्स आए हुए हैं उन्हें अंदर भेज दीजिए आप। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सर, आपके वेडिंग कार्ड छपकर आ गए हैं। ओह, बाकी कार्ड मैंने टाइप कराने के लिए दे दिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहला कार्ड मैं राम को अपने हाथ से दूंगा। वो मेरा दोस्त है, मेरा यार है, भाई से भी बढ़कर। और दूसरा कार्ड टू माय डियर कोमिला। थैंक यू सो मच सर। एक बात कहूं? यस सर। यू आर अ स्वीट गर्ल। थैंक यू वेरी मच सर। हाय राजेश। कम। अबे अभी तो हम खुद तेरी फैक्ट्री में आ रहे थे कि साले अगर मेरे लिए कोई काम काज हो शादी का तो बता मुझे। हाँ, आप जिम्मेदार कब से हो गए भाई? खैर, काम काज तो मैंने सब ठीक कर लिए जी। भाई साहब, आपके लिए काम छोड़ दिया। फरमाइए। शादी के दिन जी यानी इसी इतवार को जी आप शंकरगढ़ तशरीफ ले आइए। ये आपका निमंत्रण पत्र। हुजूर किबला बंदा पर्वत जी, अगर हम नहीं आएंगे तो आपकी शादी कैसे हो सकती है? तो हुजूर आप जरूर आइएगा जी। आपको तो मालूम है जी हमें शादी करने का बड़ा शौक है। हेलो जी, एक मिनट, आपकी माता जी का रामपुर से ट्रंक कॉल है साहब। हेलो माँ, हाँ मैं राम बोल रहा हूँ, कैसी हो? तीर्थ यात्रा से लौट आई मगर सीधे रामपुर क्यों चली गई, बंबई क्यों नहीं आई? राम, पहले शादी कर, बहू ला, फिर बॉम्बे आऊंगी। हाँ माँ, बहू भी ले आऊंगा एक दिन, मगर ये बताओ तुम शंकरगढ़ राजेश की शादी में आ रही हो ना? नहीं राम, सफर की वजह से बहुत थक गई हूँ। यहाँ आते राजेश की शादी का कार्ड मिला। राजेश को मैंने फोन कर दिया है, उसे बुरा तो लगा लेकिन फिर आशीर्वाद मांग लिया। अच्छा राम, राजेश की शादी के बाद सीधे माँ के पास आना, फिर बॉम्बे जाना। हाँ अच्छा माँ, मैं चलूँ वरना मेरे पहुंचने से पहले बारात घर न लौटा है। अच्छा माँ। माँ दो काका, सामान गाड़ी में रखती है? जी हाँ, ये लीजिए। अरे लाइए लाइए, शुक्रिया। Excuse me. आप? आपने पहचाना मुझे? जी? जी नहीं? नहीं पहचाना? मैं आपके चरणों की दासी हूं मेरे देवता। क्या कह रही हैं आप? आप पहचानने में गलती कर रहे हैं। ना मेरी आंखें गलती कर रही हैं, ना मेरा मन। हाँ राम, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? सदियां गुजर गई मगर अब वो घड़ी दूर नहीं रहा जब आप मुझे उसी रूप में देखेंगे। जिस रूप में जन्मों पहले किस्मत ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था, आप मुझे जरूर पहचान लेंगे, आप मुझे जरूर पहचान लेंगे। अरे साईं, ये छोटा स्टेशन है, यहाँ कोई कुली वुली नहीं मिलेगा। पर आपका नाम राम है नी? जी हाँ, मगर आप
बाबा मगर वगर कुछ नहीं, जो भवानीपुर में आपकी गाड़ी खराब हो गई थी ना, वो अब ठीक हो गई है और स्टेशन के बाहर खड़ी है। क्या कह रहे हैं आप, मेरी गाड़ी? बाबा हाँ। मगर कैसे, कौन लाया? अरे वरी एक खूबसूरत मेम साहब लाया है। मेम साहब? कौन मेम साहब, क्या नाम था उसका? बड़े नाम तो नहीं बताया, पर पहचान के लिए ये किताब दे गई। चौंकिए मत, ये वो आहट नहीं है जिसका आपको इंतजार है। इसी आहट का तो मुझे सदियों से इंतजार था मेरे देवता। आप? अब तो पहचान लिया अपनी चित्रलेखा को। चित्रलेखा? मैं इसी तरह सजी हुई दुल्हन के रूप में थी, ऐसी ही सजी हुई सेज थी। वो रात हमारी सुहागरात थी मेरे देवता। कौन से दुल्हन, कौन सी सेज, कौन सी सुहागरात, ये क्या कह रही हैं आप भाभी? मुझे भाभी मत कहो मेरे देवता, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आज तो मेरे जन्म जन्मांतर की निराशाओं ने आशा का रूप दिया है। आज कितनी शुभड़ी है मुझे अपने देवता के चरणों को छूने का सौभाग्य। ये क्या कर रही हैं? मुझे अपने चरण छूने दीजिए ना। रुक जाइए, मैंने कहा रुक जाइए। क्यों बेटा, मुखड़ा देखा तो अंतरा भूल गए ना? यार एक बात बता। हाँ। शादी से पहले तू भाभी से मिल चुका था? ओह, वेरी वेरी पर्सनल क्वेश्चन। लेकिन तू मेरा यार है, तेरे से क्या छुपाना। सगाई के वक्त जब मैं इसके गांव गया था ना, तो इसके घर के पिछवाड़े में थोड़ी हो गई थी। अरे बेटा राम, तुम कब